नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम देखेंगे यहाँ की लड़कियों से, जानेंगे कि क्या राय है उनकी संत गुरमीत राम प्रेम सिंह जी इंसा के बारे में, क्या विचार हैं, उन्हीं से जाते हैं बातचीत करके। हाँ जी मैम, आपका नाम? काजल। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं सिरसा से ही हूँ। मैम आप कितने सालों से डेरे आ रहे हैं? मैं तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं मुझे डेरे से जुड़े हुए। मैम आपको 15 से 16 साल हो गए हैं, रेगुलर आप डेरे आते हैं, तो डेरे के माहौल के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? एज़ यूज़ुअल डेरे का माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जैसे काफ़ी फॉलोअर्स पितई से जुड़े हुए हैं और उनके जो 137 मानवता भलाई कार्यक्रम चल रहे हैं वो भी उनसे जुड़े हुए हैं, वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ का माहौल पिताजी के जाने के बाद भी वैसा का वैसा सेम है, कोई चेंजेस हमने इसमें नोटिस नहीं किए हैं। उतने ही पिताजी के फॉलोअर्स हैं और जहाँ मतलब पिताजी जो भी मतलब वचन बोलते हैं, बताते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। मैम डेरे के द्वारा समाज हित में लड़कियों के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? लड़कियों के लिए बहुत कार्य किए जाते हैं। जैसे पहले तो जैसे भ्रूण हत्या काफ़ी चल रही थी, अब पिताजी ने एक मुहिम चलाई है कि अगर आपसे लड़कियों का पालन पोषण नहीं होता तो आप हमें उनको सौंप दीजिए, हम उनका पालन पोषण भी करेंगे, उनको पढ़ाना लिखाना, शादी, जितनी भी लड़कियों की सारी पढ़ाई लिखाई होती है वो सब पिताजी अपने मतलब अपनी कर कमलों से, अपनी खुद की कमाई से कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी जैसे आश्रम पिताजी ने लड़कियों के लिए खोल रखे हैं, काफ़ी बच्चे जो कि माँ बाप अगर उनको पालन पोषण नहीं कर पाते या माँ बाप छोड़ देते हैं लड़की कह के कि ये लड़की हम पर बोझ है, तो पिताजी के पिताजी ने ये मुहिम छोड़ रखी है कि लड़कियों का पालन पोषण हम करेंगे अगर माँ बाप नहीं कर रहे। और भी जैसे वैश्यवृत्ति है उस पर भी पिताजी ने चला रखा है कि अगर कोई लड़की मतलब माँ बाप अगर बेच देते हैं लड़की को, अगर वो इस काम को नहीं करना चाहती तो वो पिताजी ने ये कार्य मतलब छेड़ रखा है कि हम खुद डेरे के सेवादार उन लड़कियों को यहाँ पे लेके आते हैं, पिताजी उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, यहाँ तक कि उनको अपनी बेटी बनाकर उनकी शादियाँ भी करवाते हैं। और लड़कियों के बारे में कितने कार्य कराए मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी पिताजी ने कार्य छेड़ रखे हैं। जैसे अब किसी का लड़का नहीं है, मतलब किसी का लड़का नहीं है, हम बेटियों मतलब लड़का पिताजी ने एक ये कार्य छेड़ रखा है कि लड़कियों को जैसे बोझ समझते हैं लेकिन उनको ये होता है कि हमारा वंश सिर्फ लड़का ही चला सकता है, तो पिताजी ने इसको भी ध्यान में रखते हुए एक कार्य चला रखा है कि अगर आपके लड़का नहीं है तो लड़की अपना लड़की के नाम से भी वंश चल सकता है। तो पिताजी ने ये कार्य चला रखा है कि जैसे लड़का शादी करके लड़की को ब्याह कर ले जाता है, तो उसी प्रकार पिताजी ने एक मुहिम चला रखी है कि अगर किसी की फैमिली में कोई लड़का नहीं है उनके माँ बाप को संभालने के लिए तो लड़की लड़के को शादी करके ब्याह कर ले जा सकती है, ताकि जिससे वो अपने माँ बाप की सेवा भी कर सके और उसके नाम से उनके माँ बाप का वंश भी आगे बढ़ सके। मैम हम देख रहे हैं कि संत गुरमीत राम प्रेम सिंह जी इंसान 4-4.5 साल से समाज के बीच नहीं है, तो इस चीज़ का समाज पर क्या इफेक्ट पड़ा है? इस चीज़ का समाज पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मतलब कह रहे हैं ना कि जैसे वायरस, कोरोना वायरस आया है, मतलब पिताजी के रहते जैसे सफाई अभियान चलते थे, इतनी बीमारियां नहीं थी, तो अगर मतलब पिताजी अगर हमारे बीच नहीं है तो कहीं ना कहीं समाज पे इसका इतना ही इफेक्ट पड़ा है कि बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों के मन में नेगेटिविटी बढ़ रही है, काफ़ी नेगेटिविटी हो रही है। और जैसे हमारे मतलब डेरे के फॉलोअर्स हैं वो तो पिताजी के वचनों पर चल ही रहे हैं, लेकिन पिताजी का मेन मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को लोगों को जोड़ने मतलब जोड़े, ताकि देश में जो बुराइयां हैं जैसे लड़कियां छेड़खानी होती है, बीमारियां हो गई हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, तो वो ख़त्म की जाए। तो पिताजी के जाने के बाद ये चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब एक सफाइयां, जैसे पिताजी सफाई अभियान चलाते थे, अब वो सफाई अभियान भी रुक गए हैं, अभी गंदगी बढ़ गई है जिससे बीमारियाँ बढ़ गई हैं, कोरोना वायरस इतना मतलब फैल गया जिससे काफ़ी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। तो पिताजी के जाने के बाद काफ़ी समाज में बदलाव आए हैं। मैम जैसे कि डेरे की गतिविधियों को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, तो यहाँ ये कहाँ तक सही है, डेरे का कितना रोल है राजनीति में? देखो डेरे का कोई रोल नहीं है राजनीति में।
पिताजी का यही मानना है कि अगर जो लोग जैसे पिताजी का यही मानना, पिताजी कोई पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उनका यही मानना है कि जो मानवता भलाई के कार्य में आगे आएंगे या जो जैसे नशा छुड़वाएंगे, वैश्यवृत्ति कम हो गई, जैसे मतलब जो जितने जैसे जिससे देश एक आईने की तरह साफ हो जाए, समाज एक आईने की तरह साफ हो जाए, पिताजी मतलब यही चाहते हैं कि जो लोग इन कामों में आ गए हैं हमें उस पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो जो कि धोखाधड़ी करते हैं, जो इतने वादे कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम देश के लिए वो करेंगे, सफाई अभियान करेंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं। तो पिताजी का यही मानना है कि हमें उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे देश के काम आए, जो हमारे देश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें अपना सपोर्ट करें। मैम, जैसे कि हाल ही में 6 मार्च को सफाई महाअभियान हुआ था गुरुग्राम में, तो वो पिताजी की गैर मौजूदगी में हुआ था, तो क्या फ़र्क लगा आपको सफाई महाअभियान में? कोई फ़र्क नहीं लगा। जितने जैसे पिताजी होते हैं तब भी इतने ही सेवादार, इससे इतने ही सेवादार आते हैं। हालांकि इस बार जो सफाई अभियान हुआ था इसमें हद से ज़्यादा सेवादार आए हैं, हद से ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सफाई किया है, कि लोगों को ये न लगे कि हमारे गुरुजी नहीं हैं तो हम उनके जो कार्य शुरू किए हुए हैं हम उनको बाखूबी नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए काफ़ी सेवादारों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था और पूरा गुरुग्राम ऐसे आईने की तरह साफ कर दिया था। मैम, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर वो चाहते हैं कि हमारे देश का सुधार होता रहे, हमारा देश बीमारियों से ग्रस्त ना हो, हमारे देश में सफाई बरकरार रहे, और भी हमारे देश में जैसे लड़कियों के प्रति जो जागरूकता कम होती जा रही है वो कम ना हो, बेटियों को और बेटों को इक्वल अधिकार दे, तो अगर ये वो सरकार चाहती है तो उनको, मेरी सरकार से यही अपील है कि उनको पिताजी को वापस आने की आज्ञा दी जाए ताकि जो हमारे देश में बुराइयां हैं वो कम हो जाए। तो दोस्तों, हम लगातार सुन रहे हैं कि जनता अपील कर रही है कि संत जी को जल्द से जल्द समाज में भेजा जाना चाहिए। जो संत इतने लड़कियों के लिए, उत्थान के लिए इतने कार्य करता है, समाज को भलाई की इतनी प्रेरणा देता है, उसको जल्द से जल्द समाज के बीच होना चाहिए ताकि ये भारत फिर से खुशहाल रह सके, हरा भरा रह सके, हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर सके। जो भारत गुरु देश कहलाता था वो फिर से गुरु देश बन जाए। तो देख, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।